Join the battle. तो हेलो सर्वाइवर्स, तो कैसे हो आप सब गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे गाइज। तो गाइज आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमारा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक एम चैलेंज। इसमें हमारी जो रिवॉर्ड्स है गाइज वो मैं आज बात करने वाला हूँ, बांग्लादेश में और गाइज इंडियन चैम्पियनशिप में सब कुछ मैं आज इस वीडियो में इसमें बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले गाइज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्द से दोनों चीज़ें करके जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं पता है सब्सक्राइब कहाँ होता है तो गाइज़ नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको टैप करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए गाइज़ बिना टाइम के ज़्यादा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस जो है यहाँ पे ई स्पोर्ट्स सेक्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक एम चैलेंज, इस हमें इसमें दो ए आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे बांग्लादेश वाले पे हम जब टैप करते हैं तो गाइस इधर आप देख सकते हैं ये मतलब एंड हो चुका है, डे वन एंड हो चुका है। डे टू में 5 घंटे बाकी है। डे वन जो एंड हुआ था गाइस उसमें हमारा रॉन्ग था टीम XM8, तो वो प्रेडिक्शन मतलब इसकी डेडलाइन पास हुई थी तो गाइज़ इसका P90 का बॉक्स हमें नहीं मिला था। तो गाइज़ दूसरे जो मतलब जिस दूसरा दिन है गाइज़ उसमें हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं कुछ भी रख सकता हूँ गाइज़। उधर हम मतलब 5 डायमंड रॉयल वॉचर मिल जाएंगे अगर हम जीत जाते हैं, मतलब अगर हमारी प्रेडिक्शन सही निकली। ऐसे ही करके हम इन टीम इन्फिनिटी वगैरह ऐसे ही करके हम सब टीम्स को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो गाइस ये तो रहा किसका, ये रहा मतलब जो हमारा ये बांग्लादेश मतलब चैम्पियनशिप है उसका रहा गाइस। तो गाइस इसका मतलब जो हमें पहले दिन का रिवॉर्ड्स मिलता 100K वॉचिंग पे हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता, तो गाइस वो एक रिडीम कोड के थ्रू मिलता। तो गाइस उसकी वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी थी रिडीम कोड क्या था। तो गाइस वो सिर्फ कल के दिन चलता है वो रिडीम कोड, तो भी गाइस अगर आप मतलब देख सकते हैं गाइस आप कुछ बंदों की आईडी में अभी भी रिडीम कोड लग रहे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इंडियन चैम्पियनशिप वो ओपन हो चुका है गाइस, और यहाँ पे इस पर हम टैप करेंगे गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे वन में हम किसको प्रिडिक्ट करेंगे गाइज, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी सारी टीम्स जो है गाइज, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, सिक्स सेंस, स्टोन क्रशर्स, जो यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो, रेवोल्यूशन टीम, लाइट, AFF स्पोर्ट्स, सब कुछ आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे टीम्स है गाइज, टीम डी। तो गाइज यहाँ पे मैं पहली मतलब टोटल गेमिंग को मतलब सेलेक्ट कर लूँगा। मिस्टिक्स कार के 5 क्रेट मिल जाएंगे हमें अगर मतलब टोटल गेम ने पहला मतलब डे वन को ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए। तो डे टू में हम कर लेते हैं यहाँ पे 4 अननोन को यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 अननोन ले लेते हैं। डे थ्री में हम कौन सा ले लेते हैं, डे थ्री में हम ले लेते हैं गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 4 अननोन ही वापस ले लेते हैं गाइज। और डे फोर आप देख सकते हो अगर हमें 5 डायमंड वाले वाउचर मिलेंगे उसमें हमें AFF स्पोर्ट्स और कुछ फ्री फायर स्पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर और एक बात जो हमारा लास्ट है गाइज उसमें हम किसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम टोटल गेमिंग स्पोर्ट को जो सिलेक्ट करेंगे गाइज, जो उनकी टीम है वही खेलेगी गाइज। यहाँ पे जो लास्ट दिन है उस पर भी हम जो यहाँ पर 4 अननोन नहीं दिखा रहा है गाइज, तो हम यहाँ पे अंकुश FF को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद और यहाँ पे 4 अननोन यहाँ पे टोटल गेमिंग, क्योंकि गाइज टोटल गेमिंग और 4 अननोन ने मतलब शायद मतलब दोनों ने स्कोर किया। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बैकपैक हमें लास्ट दिन पर मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइज ये वाला बैकपैक भी है जो इंडियन चैम्पियनशिप में है गाइज, और गाइज जो बांग्लादेश चैम्पियनशिप में भी लास्ट में जो बैकपैक मिलता है वो भी मेरे पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे वन को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है गाइस। टीम्स आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन खेल रहा है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से, यहाँ पे आप देख सकते हो TG प्रिंस, TG माफिया बाला, फोजिया जे, जावा बॉय। तो यहाँ पे सारे टीम्स के नाम आप मतलब एक एक करके देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो खुद मतलब 5 भी रख सकते हो, 5-6 भी, मिनिमम होने चाहिए 4, सॉरी गाइज मिनिमम होने चाहिए 5 प्लेयर्स तो इस स्पोर्ट्स के लिए। तो यही थी बताना था आज वीडियो में गाइज आप इनको क्लेम कैसे कर लेना है गाइज, तो और इन्फो देना था ये आ चुका है गाइज। अगर आपको नहीं पता है तो 2 दिन के बाद इनका मतलब डे मैच लगेगा, तो जो ज़्यादा स्कोर करेगा उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने वो मतलब उनकी मतलब जो प्रेडिक्शन लगाई हुई थी। तो यही बताना था आज वीडियो में, तो यही बताना था आज वीडियो में गाइज। तो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है पूरी अच्छी लगी, समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।